हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आज जो है संडे है, और मैंने आज का वीडियो जो है मार्केट से ही शुरू किया है. तो हम लोग जो है यहाँ पे अभी मार्केट आए हुए हैं बाबू का, मतलब शेदी का कपड़ा खरीदने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि रक्षाबंधन आने वाला है. सो यहाँ पे बाबू का कपड़ा खरीदा रहा है, मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं. तो यहाँ पर मतलब ये देखो, ये देखा जा रहा है यहाँ पे इसके इस पे कौन सा अच्छा लग रहा है. और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे शूज़ के भी शॉप में आए हैं. बाबू का शूज़ वगैरह भी लेना था, मतलब सैंडल लेना था. तो यहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं, बट मैं नहीं ली थी, बाबू के लिए मतलब सिर्फ ले आया था. तो बच्चा हो यहाँ गया मेरा देखो, बेटा. फिर बाबू घर पे आए हैं, यहाँ इसकी बदमाशी चल रही है. आज जो है मैं सोया चाप की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से ला के रखी थी, मतलब बहुत दिन से क्या, कल ही ला के, कल मॉर्निंग में आया था. तो यहाँ पे आज मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी. और ये देखो कुछ खड़े गरम मसाला थे बहुत दिन से रखा हुआ, तो मैं जो हूँ इसे रोस्ट करके तैयार कर लूंगी गरम मसाला, क्योंकि मैं घर में ही तैयार करती हूँ गरम मसाला. और ये देखो जो सोया चाप को मैंने अच्छे से एकदम गर्म पानी में नींबू डाल के बॉईल करके निकाल लिया था, क्योंकि इसमें कुछ स्मेल आ जाता है थोड़ा थोड़ा इस वजह से, और नींबू डाल के बॉईल कर देने के बाद नहीं आता है. तो ये देखो इसका जो ग्रेवी है, इसकी ग्रेवी जिस चीज से बनेगी, वो प्याज वगैरह मैंने रोस्ट करके निकाल लिया था, और इसे मैं अच्छे से छान लूंगी तेल में. अगर इसकी फुल वीडियोस आप लोगों को चाहिए इसकी रेसिपीज की, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी. ऐसे मैं ज्यादा कुछ तो इसमें आज नहीं बता पाऊंगी. तो ये देखो यहाँ पे इसकी ग्रेवी मैंने जो पीस के रखा था वो मैंने डाल दिया. और ये कुछ मसाले हैं, जो कि हल्दी, धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा मैंने किचन किंग ऐड किया था. तो यहाँ पे ये देखो बहुत अच्छे से मसाला जब भून जाएगा, तो इसमें मैं सोया चाप को ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छे से मिला दूंगी. और लास्ट में मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दिया. और ये देखो इसकी ग्रेवी कितनी लिस्ट रिच लग रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था. और उसके बाद जो है मैं यहाँ फटाफट से रोटी बना लूंगी, क्योंकि भूख लग गई थी. और ये बना के मैं फटाफट हम लोग जो है लंच कर लेंगे. यहाँ पे सामान जो है मंथली जो सामान आता है, कभी 15 डेज पे मंगवा लेती हूँ, कभी मंथली भी मंगवाती हूँ. तो ये मंथली सामान है हमारा जो है वो लेके आए हैं. तो ये मैं खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि वो सोई भी है, सिद्धि सोई भी है, तो मैं इसे फटाफट से खाली कर लेती हूँ, नहीं तो ये सारा सामान इधर उधर कर देगी. तो यहाँ पे जो भी सीधे सारे सामान थे, समय अपने मतलब कुछ सामान जो है डब्बे में डाल दूंगी, कुछ ऐसे ही रख दूंगी पैक्ड, जब वो डिब्बे खाली होंगे तो मैं ऐड कर डाल दूंगी. और यहाँ पे कुछ सूखे हुए कपड़े थे, तो मैं इसे फटाफट से फोल्ड कर ले रही हूँ. ये देखो आज अलमारी की भी सफाई का समय आ गया है, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी मैं कर लूँ कर लूँ कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाती थी. बट फाइनली आज जो है मैं इसको भी साफ कर ले रही हूँ. इसके पेपर वगैरह भी गंदे थोड़े हो चुके हैं, इसको मैं क्लीन कर लूँगी, पेपर वगैरह चेंज कर दूंगी. तो सामान अरेंज करती हूँ, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है इधर, कुछ सामान वगैरह है वो मैं अरेंज करूँगी. जितने सारे कपड़े थे मेरे, वो मेरा और इनका, मैं दोनों अरेंज करके रख दिया अच्छे से. एक्चुअली क्या होता था ना कि मैं तो हमेशा प्रॉपर वे में फोल्ड करके अच्छे से रखती हूँ,
लेकिन इनका क्या होता है, जैसे होता है टाइम, जैसे अगर टाइम मिला तो अच्छे से रख देंगे, नहीं मिला तो वैसे ही रख देंगे। तो कभी कभी हड़बड़ी में मेरे से भी रखा जाता है, तो अभी मैं यही सोची क्या कि इसको अच्छे से अरेंज कर दूँ। लेकिन देखो यहाँ पर इसको, इसकी बदमाशी देखो, पूरा घर को मतलब मत पूछो क्या करके रखी है, लेकिन इसी में सब काम करना है। बॉक्स है इसी में, मैं सारा मतलब जितना सारा मेडिसिन बाबू का है या हम लोगों का है तो वो मैं इसी बॉक्स में रखती हूँ, ताकि कुछ भी ढूंढने में मतलब परेशानी ना हो, तुरंत मिल जाए। और बच्चे के घर में इधर कभी उधर कभी उधर रखा ही जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं सबको एक जगह अच्छे से रखूँ। आज शाम के नाश्ते में मैं यहाँ पे बना रही हूँ चूड़ा फ्राई करूँगी और थोड़ा सा प्याज का पकौड़ी बनाऊँगी। तो इसको मैं प्याज को एकदम मतलब बारीक बारीक मतलब रफली एकदम चॉप्ड कर ली। और यहाँ देखो सिद्धि को कितनी खेल रही थी हमारे आसपास, दुपट्टे से बहुत ज़्यादा खेलती है। तो यहाँ पे प्याज मैं कट कर ली हूँ पकौड़ी बनाने के लिए, और ये हमारा नाश्ता बन रहा है। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो मिलती हूँ जल्द से जल्द नई वीडियो और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।